हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे कच्चे केले का हलवा। इसको हम किसी भी व्रत में खा सकते हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम में वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं कच्चे केले का हलवा बनाना। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 कच्चे केले, ये लगभग 300 ग्राम है। सबसे पहले इन कच्चे केले के हम छिलके उतारेंगे। इसका छिलका थोड़ा सा मोटा होता है, इसको हमें इस तरह से उतारना है। इसको उतारते समय ध्यान रखें, इसका ये जो ग्रीन पार्ट होता है इसको भी हमें बहुत अच्छे से उतारना है। ये देखिए, सभी केले से छिलके मैंने उतार दिए हैं। अब सबसे पहले इनको हम अच्छे से धोकर वॉश करेंगे। सभी केलों को मैंने धोकर वॉश कर लिया है। अब इस तरह से एक कपड़ा लेंगे, उससे इसको हम अच्छे से पोंछेंगे, इसमें कोई मॉइस्ट नहीं रहना चाहिए। अब इन केलों को हम एक ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट करेंगे। ये देखिए, सभी केलों को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और इसका हलवा बना लेते हैं। पैन को मैंने गैस पे रख दिया है। अब इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून घी। घी को हम मेल्ट होने देते हैं। ये देखिए, घी मेल्ट हो गया है और गर्म भी हो गया है। अब इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी थोड़े से बादाम, इसको बीच में से कट किया है। इसी के साथ मैं डालूंगी थोड़े से काजू, इनको भी मैंने बीच में से कट किया है। अब इन दोनों को लगातार चलाते हुए थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। काजू बादाम को रोस्ट करने से इसमें खुशबू और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। ये देखिए, काजू बादाम अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। काजू और बादाम को मैंने निकाल लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी कच्चे केले जो हमने कद्दूकस किए थे। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे और इसको इस तरह से लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है और थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते रहना है। जब केले का हलवा पकने लगता है तो इस तरह से इसका कलर चेंज होने लग जाता है, लेकिन अभी ये थोड़े थोड़े कच्चे हैं तो हमको इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। इस तरह से इसको बीच बीच में मिक्स करेंगे और गोल्डन होने तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए, पूरे केले का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें कोई वाट पाइट नहीं है। इस तरह से दबाते हुए हमें इसको चेक करना है। ये पूरा अंदर तक पक गया है और गोल्डन भी हो गया है। ये देखिए, इसने घी भी रिलीज कर दिया है, मतलब ये पक गया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1/4 कप शुगर। शक्कर के साथ इसको इस तरह से दबाते हुए अच्छे से लो फ्लेम पे हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आप मीठा ज्यादा खाते हैं तो शक्कर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आप कम खाते हैं तो थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। इस तरह से दबाते हुए हमें अच्छे से मिक्स करना है। शक्कर डालने के बाद हमें छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसमें गुठलियां पड़ जाएंगी। इस तरह से हमें लगातार चलाना है। ये देखिए, शक्कर अच्छे से मिक्स हो गई है।
अब इसको ढककर मैं लगभग 1 मिनट के लिए पकने दूंगी। लगभग 1 मिनट हो गया है, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए हलवे ने घी रिलीज कर दिया है, ये बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब इसमें लास्ट में मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा केसर। केसर को मैंने 1 चम्मच दूध में घोला है। इसको डालने से कलर और टेस्ट दोनों बहुत अच्छे आते हैं। केसर डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए केसर ने कलर छोड़ दिया है। अब इसमें लास्ट में मैं मिलाऊंगी ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट किए थे, साथ में मैं मिलाऊंगी थोड़ी सी किशमिश, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। हलवे के साथ ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। हलवे ने घी भी रिलीज कर दिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको बॉल में निकाल लूंगी। ये देखिए हलवे को मैंने बॉल में निकाल लिया है। इसमें बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसी के साथ कच्चे केले का हलवा बनकर तैयार हो गया है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।